अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इनका बुकलेट जिन्होंने मुझे बगथ्रॉन भेजा है, शराफत भाई। इनकी अपनी कंपनी है ये पार्क सिबकथ्रॉन इंटरनेशनल। इसमें देखिए ये बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इसकी इनकी फ़ोटोग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। ये सिबकथ्रॉन पे बहुत काम कर रहे हैं और जनाब ये जो है इसके जैम जेलीस मामलेट्स और इनके शहद और इनके जो फ्लावर्स वगैरह हैं मिलेट्स के ऊपर, इस पर बहुत काम कर रहे हैं। अब आप ये ना सोचिएगा कि ये मुझे पेड है, कुछ पैसे मिल रहे हैं तो मैं इसी इनकी प्रमोशन कर रही हूँ, हरगिज़ नहीं। 1 kg का इन्होंने मुझे जो है वो बकवीट का भेजा था एज़ आ टेस्टिंग कि मैं इससे रेसिपीज़ डेवलप करूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान मेड है और पाकिस्तानी चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ और मैं हर उस की प्रोडक्ट को प्रमोट करती हूँ विदाउट एनी पेमेंट। वो मुझे रब्ता कर सकते हैं जो चाहते हैं कि रेसिपीज़ डेवलप करूँ मैं, क्योंकि मैं रेसिपी डिवेल्पर हूँ तो मेरा काम है, मुझे जो भी चीज़ मिलती है और मैं उससे रेसिपीज़ डेवलप करती हूँ उन लोगों के लिए कि जो घर बैठ के सेहत हासिल करना चाहते हैं और अच्छी चीज़ें खाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जी उनका जो है वो उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए फूड के ज़रिए। क्योंकि देखिए इलाज बिल गज़ा, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये मुहावरा। हम अपनी ग़िज़ा के साथ ही अपनी सेहत भी बरकरार रखते हैं और बीमारियों को भी दावत देते हैं सिर्फ अपने फ़ूड की वजह से। तो बेहतर यही है कि आप इनसे रब्ता कीजिए और इनकी चीज़ों को मंगवाइए, देखिए, ट्राई कीजिए। इसी के साथ मैं आपके लिए एक नई रेसिपी ट्राई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। देखिए माशाल्लाह से मैं आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ बकवीट के साथ। और ये मैंने ले लिया है 4 tablespoons बकवीट और 1 tablespoon मैंने लिया है शिमला मिर्च कैप्सिकम और 1 tablespoon मैंने लिया है कैरेट का। फाइन चॉपिंग करेंगे तो बहुत अच्छा आपका ये पैनकेक बनेगा। हम पैनकेक बनाने वाले हैं इसके साथ, बहुत इजी, ना कोई आटा गूंदने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है। बस आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक, मैंने 1 1/4 teaspoon लिया है नमक मिर्च हल्दी, आप चाहें तो इसमें और भी स्पाइसेस डाल सकते हैं, हरा धनिया हरी मिर्चें जो आपका दिल करे। सिंपल आपको बताने का तरीका ये है कि बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं बकवीट के ज़रिए। वीट फ्लावर को हटाइए और बकवीट का इस्तेमाल कीजिए रेगुलरली, तब आप देखेंगे कि आपकी सेहत, महीने के बाद आपको पता चलेगा कि ग्लूटेन फ्री चीज़ इस्तेमाल करने से या फ्लावर इस्तेमाल करने से आपकी सेहत में कितनी तब्दीली आती है। आजकल जितना फैटी लिवर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, ये सब हमारा ग्लूटेन की वजह से हो रहा है। इतना ज़्यादा हमारे बॉडी में मैदा और इनसे फ्राइड चीज़ें और इस तरह की चीज़ें जब पहुंच जाती हैं तो वो आगे क्या क्या ख़राबियां लेकर आती हैं, वो बीमारी के शक्ल में निकलती हैं। बस ये सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से और अब आप देखिए। अच्छा, इसके अंदर आप जब मिक्स करेंगे ना, आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा क्या कहेंगे, लेस लेस सा होता है, मतलब थोड़ा सा ये लिक्विडी जब होगा ना तब आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जब आप, मैं इसको जिस तरीके से बताऊंगी इस तरह आप हैंडल करेंगे। अच्छा, अनियन भी मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अनियन बहुत पसंद है, वो रह गई थी चॉप हुई भी, 1 tablespoon अनियन भी इसमें डाल दीजिए। हरा धनिया सा मेरे पास था नहीं, सॉरी, मेरी अपनी हार्वेस्टिंग हुई भी है लेकिन मैं कल काफ़ी तोड़ चुकी थी तो अब उसमें कुछ बचा नहीं था तो मैंने हरा धनिया नहीं डाला, वरना हरा धनिया के बगैर मेरी कोई चीज़ नहीं होती। आप लोगों को पता ही है जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी फैमिली है। चलिए जी, अपनी फैमिली के लिए एक ज़बरदस्त सा पैनकेक तैयार करती हूँ। इसमें मैं आपको फॉल्ट भी दिखाऊँगी, कोई चीज़ स्किप नहीं करूँगी कि ये किस तरह से टूटा और मैंने इसको किस तरह से जोड़ा। और ऐसा होता है क्यों, चूँकि ग्लूटेन फ्री आटा जो होता है उसमें लोच नहीं होती है, लचक कम होती है, तो उसमें ग्लूटेन, या तो आप 1 tablespoon उसमें टीस्पून का डाल दीजिएगा, क्या बोलते हैं इसको, इसबगोल की भूसी हस्क जो होता है वो डाल दीजिए, अगर वो नहीं डालना चाहते नहीं आपके पास तो भी कोई मसला नहीं है। इसी को मैं आपको हैंडल करने का तरीका बताऊँगी, ठीक है ना। आप बेशुमार तरीक बनाइए इसको, लंच में इस्तेमाल कीजिए, डिनर में कीजिए, ब्रेकफास्ट में, इसी के साथ अंडा शामिल कर लीजिए, चाहे तो आप इसी के अंदर अंडा डाल लीजिए, एक अंडा फ्राई कीजिए और आपका ब्रेकफास्ट हो गया। आप लंच में कर रहे हैं तो आप एक कप इसके साथ दही ले लीजिए और एक बाउल सैलेड का ले लीजिए, आपका लंच कंप्लीट हो गया। रात में आप सैलेड लीजिए, ये लीजिए, और दही को अवॉइड कीजिए क्योंकि दही रात में लेना बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब देखिए मैंने क्या करा है, सरसों के तेल से बनाया है ये, मुझे भेजा है पंजाब मस्टर्ड ऑयल कंपनी है उनके नाम की। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना इसके अंदर जो फॉल्ट आएगा वो मैं स्किप नहीं करूँगी, आपको बताऊँगी ताकि किसी के साथ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको कैसे हैंडल करे। देखिए, हैज़र्ड्स को फेस करना वो एक बहुत ट्रिकी काम होता है। हैज़र्ड से परेशान होकर बना के छोड़ देना ये मसला नहीं होता, हैज़र्ड्स आते हैं चीज़ों में लेकिन उसको कैसे हम हल करते हैं ये मैं आपको अभी दिखाऊँगी, इसीलिए मैंने स्किप नहीं करा, बिल्कुल आपके नेचुरली आपके सामने बना रही हूँ। ये देखिए, जो मेरे पास बचा हुआ मटेरियल है उसके ज़रिए मैं इसमें पैच लगा रही हूँ
अब जब ये पैच मेरा सूख जाएगा, क्योंकि मुझसे गलती मिस्टेक हुई कि मैंने अभी थोड़ा वो कुक नहीं हुई थी और मैंने जल्दी उसको पलट दिया, इसलिए उसमें ये बीच में पैच आ गया, तो कोई मसला नहीं, वो टूट गई है, मैंने इसको पैच लगा के जोड़ दिया। जहाँ जहाँ आपको लग रहा हो कि वो उसमें कोई गैप आ गया, छेद है, या वो नहीं सही से बनी, तो आप वहाँ ये लिक्विड डाल के उसको इवनली बराबर कर लीजिए और फिर उसके बाद इवन करने के बाद उसको कुक कर लीजिए, कुक होने दीजिएगा, जल्दी ना पलटिएगा। अब देखिए, अब देखा आपने, अब मैंने इंतज़ार करा पेशेंस के साथ, कुक हो गया, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी ना, तो इसलिए मैंने जल्दी पलट दिया, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, डबल मेहनत करनी पड़ गई। खैर अब ये तैयार हो गया, एक तरफ से भी कुक हो गया, अब ये दूसरी तरफ से भी कुक हो जाता है। और बस इस तरह से मैं आपके लिए एक दूसरा भी तैयार करती हूँ, क्योंकि 4 टेबल स्पून में एक बंदे के लिए 4 टेबल स्पून इनफ होते हैं, ब्रेकफास्ट करें चाहे लंच करें, क्योंकि और भी साइड लाइंस होती हैं ना उसके साथ। तो अब ये क्या होगा कि जब ये कुक होने के बाद आप इसको उतार लेंगे, अब जो मेरे पास मटेरियल बचा है उससे मैं आपके लिए एक और तैयार कर लूँगी, वो थोड़ा साइज़ में कम होगा ले, और वो टूटेगा भी नहीं इंशाल्लाह ताला, उम्मीद तो यही है। तो अच्छा जनाब, अब क्या करना है, हमने फिर पैन हमारा, अच्छा नॉन स्टिक पैन ले या ना भी लें तो स्टील में भी पहले ऑयल लगा के उसको अच्छे से पोंछ लीजिएगा और फिर वो आपका नॉन स्टिक बन जाता है। अब क्या करना है, हमने फिर इसी तरह से, मैंने 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल ले लिया, अब थोड़ा सा मेरा तवा सही गर्म हुआ है, पहले थोड़ा तवा मेरा ज़्यादा गर्म नहीं था। अब ये सारा मटेरियल जो मेरे पास बचा है, जो मैंने 4 टेबल स्पून के साथ बनाया है, बार बार मैं 4 टेबल स्पून इसलिए बता रही हूँ ताकि कोई बंदा इंडिविजुअल अपने लिए बना रहा हो तो वो उसको आइडिया हो कि भाई अब मैं कितना आटा लूँ, पता चला ज़्यादा घुल गया तो ये एक बंदे के लिए आपने देख लिया, अब आप इसी को 4 से 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, जितनी आपकी नीड हो। मैंने आपको क्वांटिटी इसीलिए बार बार बता रही हूँ कि 4 टेबल स्पून में इतना मटेरियल तैयार हुआ और इतने मटेरियल में इतने पैनकेक्स बने हैं, एक थोड़ा बड़ा बनाए, एक ही छोटा बनाए, आप चाहें तो अगर दोनों दरमियाने बनाएंगे तो फिर 2 बन जाएंगे बराबर बराबर के। अब देखिए, इसको भी मैंने डाल दिया और इसी तरह मैंने स्पैचुला से इसको चिपकता है थोड़ा ये स्पैचुला के साथ, तो आपने उसी तरह हैंडल करना है, मीडियम मैंने फ्लेम कर दिया। और अब उसके बाद जनाब, अब मैं इसको एक तरफ से अच्छे से कुक होने दूंगी, और जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तो फिर मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, अच्छा मस्टर्ड ऑयल के बारे में भी मैं आपको बता रही थी कि उन्होंने भी मुझे भेजा है, ये भी पेड नहीं है बिल्कुल भी, और उन्होंने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं रेसिपीज़ डेवलप करूँ। तो आपको पता है मेरी रेसिपीज़ ज़्यादातर जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी फैमिली, उन्हें पता है जो मेरे रेगुलरली वीडियोज़ देखते हैं, कि मैं हमेशा सरसों के तेल को जो है वो प्रमोट करती हूँ और बताती हूँ कि सरसों के तेल में ही मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल में या कोकोनट ऑयल में, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है। ऐसी चीज़ें जिनमें इस तरह के मिलेट्स होते हैं या बेसन होता है, वेजिटेबल्स जल रही होती हैं, उनमें सरसों का तेल आप यूज़ करके मस्टर्ड, देखिएगा मस्टर्ड ऑयल जो एक्स्ट्रा वर्जन होता है, मतलब फर्स्ट उसका निकला हुआ, तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। इसमें बहुत सारी कंपनियाँ आ रही हैं, कुछ असली दे रही हैं, कुछ नहीं दे रही हैं, ये बात इसको बनाइए, बहुत सुपर यम्मी, बहुत टेस्टी है, इसको बनाइए, इंजॉय कीजिए। मैंने 4 टेबल स्पून लिया है बकवीट, आप चाहें तो कम ले लीजिए। अब आपको आइडिया हो गया कि जो है 4 टेबल स्पून लेने से ये कितने बन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक पर्सन के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट इनफ है। ये मिलती है इंशाल्लाह ताला आप तरफ किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, आप चाहें तो इसको लंच में ही बना सकते हैं, डिनर में ही बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं ब्रेकफास्ट में बनाएं, लेकिन एक हेल्दी सुबह का आगाज़ करने के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको इसको ब्रेकफास्ट का बोला है, वरना मैं तो ये लंच में, डिनर में, किसी वक्त भी इसको बना लेती हूँ, खा लेती हूँ। सिंपल सी चीज़ें, कुछ ज़्यादा आपको चक्करबाजी इसमें करनी नहीं, कोई सालन नहीं चाहिए, कोई दाल, कोई चीज़ नहीं चाहिए, ये टोटली रोटी जो है आपके इनफ हो जाती है आपके लिए। इसके साथ अगर आप दिन में खा रहे हैं तो दही एक बाउल ले लीजिए, जो आपका अपना घर का जमा हुआ दही होता है, थोड़ी सी सैलड ले लीजिए, तो आपका कंप्लीट मील बन जाता है। दुआ में मुझे याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला इसी तरह की नई रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आपको बकवीट का इंट्रोड्यूस कराना और उसके साथ रेसिपीज़ जो है वो बनाने का, उसके साथ जो भी उसके प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी शेयर करती जा रही हूँ, किस तरह उसको हैंडल करना है, तो इसीलिए ताकि आप इसका इस्तेमाल बढ़ाएं। और जो वीट फ्लार है हमारा, गंदम का आटा, जो इस वक्त बहुत वर्स्ट हालत में हो चुका है और जिसकी वजह से डायबिटीज़ बहुत बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं, उसको कम करके हम लोग जो है वो इस तरफ मिलेट्स के जो आटे हैं उनकी तरफ हम लोग फ्लार लेकर आए, वो इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफिज़।